कि तुम नहीं कर पाए, बट स्टिल हाँ वो तुम्हारी तो है, गाइडेंस की वजह से 10 लोगों ने क्रैक कर ली, तो बहुत बड़ी बात है। जब तक एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता है ना, तब तक एप्टीट्यूड पे ही फोकस करो। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर एंड आई वॉज गिविंग इंटरव्यू SRCC कॉलेज का कुछ सोसाइटी का कुछ था, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को हायर कर रहे थे, राइट, फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आई वॉज इंटरव्यूइंग देयर, तो मेरे से उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर वीकनेस तुषार। तो मैंने बोल दिया मेरी कोई वीकनेस नहीं, मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था। रिसर्च इतना अच्छा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपको पहले ही लाइक इंट्रोडक्शन में आपसे इंप्रेस हो जाए। मेरा खुद का इंटरव्यू 8 से 10 मिनट के अंदर ओवर हो गया था, राइट, एंड आई वाज हाँ लाइक हाँ भाई हाँ ये तो हाँ नहीं करने वाले सिलेक्ट। यू वोंट इवन बी एलिजिबल फॉर सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट्स, ओके, इफ यू हैव अ ग्रेड पॉइंट ऑफ लेस देन 7 CGPA। अगर एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंटर्नशिप नहीं है तो विल ही बी एबल टू क्रैक द प्लेसमेंट और नॉट? भैया ईवाई के अंदर कैसे प्लेसमेंट क्रैक करें, क्या राउंड्स होते हैं, कितने लेवल ऑफ राउंड्स होंगे, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में? बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे से ये चीज़ें पूछ चुके हैं, एंड ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस लेके आ चुका हूँ प्लेसमेंट सीरीज पर, जो कि एक पहले मैंने उत्कर्ष के साथ वीडियो शूट की थी डिलॉइट पर, सेकंड मैंने परिधि के साथ शूट की थी LEK कंसल्टिंग फॉर्म पर, एंड एक तीसरी वीडियो है प्लेसमेंट सीरीज की जो कि आपको EY के बारे में देखने को मिलने वाले, दैट इज वन ऑफ द बिग फोर ऑडिट फॉर्म। KPMG पर मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ वीडियो जो कि मेरी खुद की प्लेसमेंट एक्सपीरियंस थी जर्नी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। टुडे वी आर विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो कि स्मृति है, गार्गी कॉलेज से रिसेंट पास आउट हुई एंड शी हैज क्रैक्ड हर प्लेसमेंट एट EY, वन ऑफ द बिग फोर ऑडिट फॉर्म, एंड वो बताने वाली है उसका एक्सपीरियंस, कैसे उन्होंने क्रैक की प्लेसमेंट और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या मेंटल स्टेट रहती है, कैसे राउंड्स क्लियर होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। शी इज ऑल्सो लिंक्डइन क्रिएटर, पास 6 मंथ से वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट अपलोड कर रहे हैं, एंड वही प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो आप जाके उनके लिंक्डइन अकाउंट भी चेकआउट कर सकते हो। बस स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को विदाउट एनी फर्दर एडियो, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दो, बिकॉज बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन रहने वाली है अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठने वाले हो या फिर अपकमिंग बैच होने वाला है आपका प्लेसमेंट के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट स्टार्ट टुडेज़ पॉडकास्ट, एंड फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप स्पीड को स्विच कर सकते हैं 1.5x पर, बट ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो है, अगर लास्ट तक देखो तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीख के जाओगे, एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना ताकि हमें भी पता लगे कि इतनी बड़ी वीडियो लेकर लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिटिंग में भी, एंड उसके बाद आपके सामने फाइनली प्रोडक्ट देखने को मिलता है वीडियो के फॉर्म में। तो मेक श्योर करना कि एक कमेंट और एक लाइक जरूर करके जाओ ताकि हमें भी पता लग सके कैसे लगी आपको वीडियो। तुषार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर टेकिंग अप दिस इनिशिएटिव स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज़ यूजुअली पीपल नीड गाइडेंस टू हाउ टू क्रैक प्लेसमेंट्स, इट्स नॉट दैट इजी, राइट? So coming to myself, my name is Smriti Vartish and I'm a recent commerce graduate from Gargi College, University of Delhi. And I've been placed at EY GDS for the role of Assurance Associate. And I'll be joining in November. And during my college time, I interned with around 3 to 4 organizations. And I was also a part of NSS of my college. And recently, like from the past 6 months, I've been creating actively content on LinkedIn and I've successfully grown my community to 7K followers now. That's great, स्मृति। तो स्मृति आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि EY के प्रोसेस में कितने राउंड्स होते हैं, एंड एक बार उसके बारे में थोड़ा बहुत हाईलाइट दे दो सो दैट वी कैन एक एक करके उस चीज पे डिस्कस कर सकते हैं। So basically 4 rounds होते हैं. First time resume screening, second aptitude test, and then third technical interview round, and then HR interview. So usually resume screen. Continue, continue. So resume screening basically that's just the informal round. उतना उसमें focus नहीं किया जाता है, but of course resume पे focus करेंगे during the interviews. So basically whoever applies is eligible for the aptitude test. ठीक है, तो एक बार CV के बारे में बताओ कि एक आइडियल CV जो बच्चा देखता है कि क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए, एंड यू हैव ऑल्सो मेंशन कि आपने 4 ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप किया, ठीक है। मैं उस चीज पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि क्या नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स मैटर करती है। ऑलरेडी मैंने एक इस पे लिंक्डइन पोस्ट डाली थी कि नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स मैटर नहीं करती, क्वालिटी इंटर्नशिप मैटर करती है, बट स्टिल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि नंबर ऑफ इंटर्नशिप मैटर करती है, ऑल्सो सिर्फ इंटर्नशिप्स मैटर करती है या फिर साथ में और भी चीजें होनी चाहिए, और उसके साथ इंटर्नशिप्स का कितना रोल होता है प्लेसमेंट्स के अंदर? अगर एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंटर्नशिप नहीं है तो विल ही बी एबल टू क्रैक द प्लेसमेंट और नॉट? मतलब वो उसका चांस बन सकता है या नहीं बन सकता? Yeah, so you very rightly said, Tushar, like quality of internships matter the most.
It's very likely that people take on internships that don't even add value to their resume or their learnings, of course, right? There are many such fake opportunities that people take up just to, कि रिज्यूमे भरना है, वो नहीं होना चाहिए फर्स्ट थिंग. यस, क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप मैटर, एंड इंटर्नशिप नहीं भी हो तो भी प्लेसमेंट के चांसेस हैं. अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंसेस, आई हैव सीन सच पीपल गेटिंग प्लेस्ड एट डेलॉयट कंपनीज लाइक डेलॉयट. सो यू कैन फॉर श्योर गेट प्लेस्ड एट अ बिग फोर कंपनीज इवन विदाउट इंटर्नशिप्स. इंटर्नशिप्स ऑल यू नीड इज अ क्वालिटी ऑन योर रिज्यूमे. यू शुडंट बी लाइक दैट I need a, 5 to 10 internships or at least 5 to 6 societies. Trust me, I wasn't even a core member of any of the society when I mentioned that. So I was just a member of NSS of my college, but I still got in. So it all depends on how you present yourself in first place and how well you know about your resume. Whatever is mentioned in your resume, you should be thorough with that first thing. And coming to the resume point, for sure, एज ए वेरी एड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्लटर्ड रिज्यूमे नहीं होना चाहिए. काफी थोड़ा लोग सा, मतलब भर हाँ देते हैं पूरे इस रिज्यूमे. ठीक है क्या ठीक है. है लाइक काफी आई हैव स्क्रीन मेनी रिज्यूमे एज ऑफ नाउ, एंड आई हैव सीन लाइक पीपल जस्ट फोकस ऑन की रिज्यूमे में जितना इंफॉर्मेशन डाल सके दैट्स बेटर, बट दैट इज नॉट द थिंग बिकॉज रिक्रूटर्स जस्ट हैव अराउंड 30 to 40 seconds टू look at your resume and make a decision that you will be recruited or not. And then, of course, जितना कम पॉइंट्स में आप अपने रिज्यूमे को समराइज कर सकते हो दैट्स बेटर. लाइक आई वुड सजेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ ग्रेड पॉइंट. लाइक you won't even be eligible for sitting for the placements, okay, if you have a grade point of less than 7 CGPA in most cases, Most of the cases, not right, every case. right. Yeah, so again this doesn't mean ki skills pe focus nahi karna hai placements, matlab POs pe focus nahi karna hai. Of course that's important in tarike se, but you can't ignore grades as such because that's equally important. Because to showcase your skills, you need to have that eligibility criteria, right? And trust me, it's not that difficult to maintain a CGPA of 7 in courses like BCom and BCom honors, right? Yeah, so exactly, it is not. You better know. It is not. Yeah, and then yeah, again one more thing is people just go on mentioning certifications and skills like MS Office, so you never know ki recruiter aapse kya pooch rahe. Us case MS Excel आप अगर आप लिख रहे हो तो be sure that you know every single thing about it. So you have to be sure of everything you are writing on your resume because you never know ki question किस तरीके से पूछे जा सकते. ठीक है, तो आई गेस आइडिया लग गया होगा स्टूडेंट्स को कि रिज्यूमे के अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए. बेसिकली मैं तो अपने एंड से तीन चीज बोलता हूँ, मैं हर बार यही बताता हूँ कि तीन चीज अगर है तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर तो वो बन सकता है सही रिज्यूमे. नंबर वन इज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक ठीक ठाक बेसिक जो तुमने बोला कि अबव 7 CGPA, एंड वही है कि 7.58 तक टारगेट लेके रखोगे तब जाके 7 बनेगी. ऐसा नहीं है कि जितना टारगेट लोगे उतनी बनी Exactly, जाएगी, है ना. exactly. तो Seven is the minimum you should मिनिमम maintain. मिनिमम 7 इज द Yeah, मिनिमम. yeah. एंड फिर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम या इको ऑनर्स के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है, बट बीकॉम ऑनर्स बीकॉम में बन जाती है, आराम से बन जाती है ना. और उसके बाद दूसरी चीज पे जो मैं फोकस करता हूँ दैट इज POR. तुम्हारा अगर स्टार्टअप का कुछ आइडिया है, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांस वर्क, इसका एक सेक्शन बना लो, ठीक है. इसके अंदर सारी चीज जितनी ज्यादा हो सकती है वो मेंशन कर दो. एंड द थर्ड वन इज तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, इंटरेस्ट, या फिर तुम्हारे वॉलंटियर किया गया वर्क. अगर ये तीन चीज है तुम्हारे पास तो गुड टू गो है तुम्हारा सीवी. बस ये है कि जो तुमने एग्जैक्टली सबसे पहले लाइन बोली थी कि क्लटर्ड नहीं होना चाहिए सीवी, अगर तुम्हारे पास 5 इंटर्नशिप है तो आई वुड सजेस्ट कि 3 ही डालो, वो मोर देन इनफ होती है. 3 इंटर्नशिप डालो एग्जैक्टली जिसमें तुमने जिस बेस्ट परफॉर्म चीज का किया. वैल्यू है, या जिस चीज का बेस्ट परफॉर्मेंस है, जिस चीज का वैल्यू एडिशन हो रहा है तुम्हें भी और तुम्हारे रिज्यूमे में भी थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है, सिर्फ वही मेंशन करो. एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू हाईलाइट रिगार्डिंग टू इंटर्नशिप्स, लाइक इट
पीपल थिंक कि बिग फोर में अगर हमें प्लेसमेंट लेना है तो हमारे पास ब्रांड इंटर्नशिप्स होने चाहिए. लाइक यू नीड टू इंटर्न विद कंपनीज लाइक यू नो बेन, मे बी डेलॉयट इटसेल्फ, बट दैट्स नॉट ट्रू. ऑनेस्टली दैट्स नॉट ट्रू. यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जिसमें आपने कोई काम किया हो. एटलीस्ट रिक्रूटर्स डोंट एक्सपेक्ट यू टू गेटिंग इंटर्न विद अ ब्रांड. बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या नहीं है तुम्हें एक्चुअल एग्जैक्टली, दे रियलिटी. डोंट एक्सपेक्ट Much. वही वही आज अगर आपको फ्रेशर की तरह हायर All, करने आ रहे हैं तो फिर वो क्यों ही ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे आपसे. ठीक है yeah, all they look for is confidence and that will do love. वही वही एक चीज मेरे को ये भी बोली थी मेरे सीनियर ने शायद कि सारी चीजें मत भी डालो अपने रिज्यूमे में बिकॉज काफी बार रिक्रूटर ऐसी चीज पूछ लेते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ विच इज नॉट मेंशनड इन योर रिज्यूमे. तो उस केस में भी वो शायद एक बून की तरह काम कर जाती है चीज जो तुमने मेंशन नहीं की हुई. तो वो चीज Yeah, भी कुछ like चीजें बचा के काफी रखने चाहिए. companies. हाँ, हाँ लाइक काफी कंपनीज बोलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन तो वही होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट. एंड काफी कंपनीज आगे जाके पूछ लेते हैं वर्क में थ्रू योर रिज्यूमे. सो यस व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस? यू नीड टू फिगर इट आउट कि रिज्यूमे में क्या मेंशन करना है क्या नहीं करना है. ठीक है. रिज्यूमे का हुआ काफी सॉर्ट कर दिया तुमने. सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. एक बार एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताओ कि ईवाई का एप्टीट्यूड टेस्ट का लेवल कैसा होता है, क्या क्या सेक्शंस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. एंड अगर तुम्हें याद है तो तुम ये भी बता दो कि कितने सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कितना टाइम मिलता है वो टेस्ट सॉल्व करने के लिए, और ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टीट्यूड टेस्ट इन मोस्ट केसेस ऑनलाइन कंडक्टेड ऑनलाइन. एंड कमिंग टू द सेक्शंस, डिपेंडिंग अपॉन की प्रोफाइल कौन सा है. लाइक फॉर माय इट वाज अश्योरेंस एसोसिएट, सो फर्स्ट थिंग देयर वाज अ सेक्शन रिलेटेड टू अकाउंटिंग. ऑफ कोर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाटएवर इज देयर. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव क्वांटिटेटिव, अवेलेबिलिटी एंड लॉजिकल. दीस थ्री सेक्शंस यू कांट एवर स्किप. Accounting तो we have been studying for so long, so that's not a major problem for us. But we lose touch on quantitative maths and all, so we need to be well prepared for that. Because I would always suggest you कि अगर 10 days हैं आपके पास, just start preparing from day ठीक one. Because of course it takes time to grab on and brush up on those skills again. Because काफी time से, like for me, I didn't study mathematics after 10th. ठीक Okay. है ठीक Yeah, है so it was like 2 3 to 4 years. Then I sat for placements, and then I was doing all those ratio, proportion, time, distance. Though it's not tough, but you need time to True. get up on the idea about that. Yeah, and of course, first thing preparation काफी अच्छा होना चाहिए. एप्टीट्यूड टेस्ट इज द मास एलिमिनेशन राउंड. ट्रू एग्जैक्टली बिकॉज पीपल यूजली थिंक कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, यस एप्टीट्यूड यस टेस्ट तो निकल ही निकल जाएगा, जा बट नहीं ऐसा नहीं निकलता होता है है. नहीं होता. नहीं निकलता है. इवन आई एग्जैक्टली डिड दिस मिस्टेक इन माय फर्स्ट प्लेसमेंट कि डिलॉइट कंपनी आई थी एंड आई वाज लाइक एप्टीट्यूड तो निकल ही जाता है. एप्टीट्यूड में क्या ही है, वही क्वेश्चंस तो हाँ आते हैं वही. कि बेसिक जनरल एलआर रीजनिंग वगैरह वो तो निकाल लेंगे, अकाउंट्स ऐसे ही आता है इतने साल से पढ़ रहे हैं. बट जब नहीं निकला ना तब पता वही लगा कि प्रिपरेशन चाहिए. प्रिपरेशन मैटर्स. प्रैक्टिस इज द की टू सॉल्व द एप्टीट्यूड टेस्ट उस मोमेंट पे. एंड आई वुड सजेस्ट कि काफी सारे वेबसाइट्स है, लाइक इंडिया वेक्स. आई पर्सनली प्रेफर फेस प्रेप अ लॉट. देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड फेस प्रेप. सो यू जस्ट नीड टू साइन इन ऑन दैट वेबसाइट. यू डोंट नीड टू सब्सक्राइब और समथिंग. एंड देन उस पे क्वांट लॉजिकल रीजनिंग एंड वोकल एबिलिटी के काफी सारे मॉक टेस्ट गिवन होते हैं. लाइक 30 to 20 questions पर मॉक टेस्ट. इफ यू यू नो सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 mock tests एवरी डे, यू विल बी गुड टू गो बाय द टाइम यू हैव योर एक्चुअल एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड या एंड रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई गेस आई एम नॉट क्वाइट श्योर. आई कैन मेक अ गेस ऑफ कोर्स. लाइक इट वाज अराउंड 50 questions ठीक है पर वही अराउंड 1 hour समथिंग. 50-60 मिनट्स ठीक है पर क्वेश्चन पर मिनट. हाँ जनरली यही पर यही क्वेश्चन पर मिनट ही होता है. जनरली यही होता है डिलोइट में भी हाँ केपीएमजी में भी. ठीक है हाँ एंड हाउ ऑल्सो इज द वन लेवल. मोर थिंग. यस कंटिन्यू कंटिन्यू. या लेवल वाज मॉडरेट. आई वुड से इट्स डूएबल. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग वेल एनफ फ्रॉम डे वन, इट्स डूएबल. इट्स नॉट दैट टफ कि बहुत ही ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग रिगार्डिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट, पीपल थिंक कि 4 सेक्शन है. अकाउंटिंग अकाउंटिंग मेरा स्ट्रांग है बिकॉज 11th से कर रहा हूँ.
पीए स्ट्रॉन्ग है, एलआर स्ट्रॉन्ग है, क्वांट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैनेज हो जाएगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स देयर इज ऑलवेज सेक्शनल कट ऑफ्स फर्स्ट. ट्रू हाँ, तो मेंशन करेंगे क्वांट में भी इतना होना चाहिए, अवेलेबिलिटी में भी इतना होना चाहिए, एलआर में भी, अकाउंटिंग में भी. सो यू हैव टू गिव टाइम टू ईच सेक्शन. यू अच्छा कैन बी एक लाइक कि चलो क्वांट थोड़ा कम कर लेते हैं. इंस्टीट्यूट के बारे में तुमने बताया एंड रिसोर्सेज के बारे में तुमने बताया एक फेस प्रेप करके है एंड द सेकंड वन इज इंडिया बिक्स, जो उत्कर्ष ने भी मेरे को सजेस्ट की थी कि इंडिया बिक्स पे काफी अनलिमिटेड क्वेश्चंस है, अगर वहां से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इनफ है। करियर राइट इज ऑल्सो वन, हाँ करियर राइट करियर राइट. यूट्यूब चैनल राइट। हाँ, हाँ ऑल्सो यूट्यूब होते हैं इस वन मोर यूट्यूब चैनल प्रेप एंड स्टफ, ठीक है इसके भी काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है ठीक है। एंड एक चीज मेरे को बताओ कि प्रिपरेशन में कितना टाइम चाहिए एप्टीट्यूड के लिए, अगर 10 दिन पहले लग रहा है लाइक तो हो मैंने जाएगा या बोला, नहीं होगा? हाँ 10 दिन पहले लग रहे हैं हो जाएगा, बट यू नीड टू गिव कंसिस्टेंटली 2 आवर्स ठीक मिनिमम है ठीक है। सब सेक्शंस पे फोकस करने के लिए इक्वली, बिकॉज नहीं। इट्स नॉट दैट दैट स्मॉल वे गेम की चलो कल सुबह एप्टीट्यूड टेस्ट है, आज शुरू करते हैं. लाइक एग्जाम्स में जैसे करते हैं वो नहीं होने वाला ठीक है और श्योर नहीं होगा. चलो, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में तुमने मेजोरिटी चीजें कवर कर दी है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पर्सनल इंटरव्यू एचआर राउंड ठीक है, तो या फिर टेक्निकल राउंड। तो इसके बाद टेक्निकल राउंड था तुम्हारा, तो टेक्निकल राउंड में बेसिकली क्या चीजें कवर की जाती है एंड जहां तक मुझे पता है तो तुम्हारा एचआर तो हो ही जाता है उसके अंदर, बट स्टिल टेक्निकल थोड़ा डिफरेंट होता है, तो पहले टेक्निकल पे बात करते हैं फिर एचआर पे कंटिन्यू करेंगे। सो टेक्निकल राउंड बेसिकली फोकसेस ऑन द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू योर जॉब प्रोफाइल फर्स्ट थिंग. जैसे मेरा ऑडिट अश्योरेंस का रोल है, अश्योरेंस एसोसिएट बेसिकली. अश्योरेंस इज नॉट जस्ट ऑडिट बट मच मोर देन ऑडिट, टैक्स एंड ऑल भी आ जाता है उसमें. बट एज रिक्रूटर्स डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो मच अबाउट द प्रोफाइल पहले से ही, बिकॉज यू आर जस्ट अ कॉलेज फ्रेशर, लाइक अ फ्रेशर फॉर द प्लेसमेंट्स. बट स्टिल यू कैन, यू नो, यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट योर अकाउंटिंग स्किल्स फर्स्ट थिंग, बिकॉज दे'ल आस्क यू अबाउट रैंडम जर्नल एंट्रीज इन द इंटरव्यू, एंड दे कैन इवन आस्क यू अबाउट ट्रायल बैलेंस लेजर, ऑल दो स्टफ. एंड आई वॉज इवन आस्क अबाउट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट, एंड देन आई वॉज इवन आस्क अबाउट कि ऑडिट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, एंड हाउ डू वी डू ऑडिट ऑफ बैड डेट्स. सो बेसिकली ऑल दीज, यू नो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए कि जो जॉब प्रोफाइल है, लाइक यू जस्ट कांट गो ब्लैंक कि मुझे कुछ भी नहीं पता ऑडिट होता ही क्या है एंड यू आर सिटिंग फॉर दैट जॉब प्लेस, राइट. ट्रू ट्रू तो थोड़ा यू शुड नो अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट्स, बिकॉज सेम 5 के बिगिनिंग में थोड़ा होता है प्लेसमेंट्स का सीजन शुरू, एंड सेम 5 में ही हम ऑडिट पढ़ना शुरू करते हैं फॉर बीकॉम प्रोग्राम. ठीक है। सो यू शुड नो कि गूगल से सर्च कर लो अगर कॉलेज में नहीं पढ़ाया है, बट हाँ यू शुड नो अपने तरफ से कि ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होती हैं. बेसिक है ये, तो चार चीजें आपको पता ही होनी चाहिए, एंड रिलेटेड टू द जॉब प्रोफाइल एंड रिलेटेड टू कंपनी एज वेल. कंपनी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होना चाहिए टू शोकेस कि आपको पता है इंटरव्यू में, एटलीस्ट यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट दैट मैटर्स द कंपनी मोस्ट. या कंपनी वही वही रिसर्च काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट राइट दैट यू नो मेक्स और ब्रेक्स द गेम ऑफ इंटरव्यू, एग्जैक्टली। आपको कंपनी के बारे में पता आई ही नहीं वुड है से. एंड आप जाके इंटरव्यू दे रहे हो, तो हाउ कंपनी इज गोइंग टू सिलेक्ट यू? कंपनी कहेगी यार तुम पढ़ के तो आओ हमारे बारे में कुछ। भाई होमवर्क शुड बी डन ना पहले से, भाई भाई एंड रिसर्च इतना अच्छा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपको पहले ही लाइक इंट्रोडक्शन में आपको आपसे इम्प्रेस हो जाए, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन माय केस. है एंड Because I was given a compliment that you have done your research very well within the first minute of interview. ओके नाइस। तो अच्छा अगर मैं इस चीज को ब्रेक डाउन करूं कि रिसर्च करनी पड़ती है कंपनी के बारे में, अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आएगा क्या रिसर्च करके जाए, तो मतलब क्या पढ़ के गई थी सुनी थी कि इंप्रेस हो गया रिक्रूटर, तो उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर हाँ, सकते हो उस चीज को? फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट में जो जो भी है लाइक द सोशल इम्पैक्ट्स ठीक कंपनी के, जो जो भी द कंपनी इज वर्किंग ऑन, प्रोजेक्ट्स द कंपनी इज वर्किंग ऑन, इट कैन बी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन, वेमेन एम्पावरमेंट, व्हाटएवर, ठीक है.
ठीक है। Like and also you should know about the awards that have been won by company in the past years. That it really helps you frame your answers well and stand out in the interviews because that is something not most of the people do. Checking the company Instagram pages, LinkedIn pages, checking the website, reading articles on the website, it's very important. That is something I call as research. चलो परफेक्ट। अच्छा आई लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन कि तुमने बोला था कि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मेजर चीजें मेजर जो स्टूडेंट्स होते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं राइट। अगर उस चीज को अगर तुम्हें याद है कितने बच्चों ने अप्लाई किया था एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, डू यू हैव एनी आइडिया तुम्हारे कॉलेज से? लाइक आई रियली डोंट हैव आइडिया अबाउट EY बट श्योरली डेलॉयट का मुझे याद है हाँ एक बार डिलोइट तो का चलो बता आई दो। कैन हाँ सो लाइक 150 स्टूडेंट्स अप्लाइड ठीक है फॉर डेलॉयट ठीक लाइक है। दे फिल्ड आउट द फॉर्म एंड देन 75 गॉट सिलेक्टेड फॉर लाइक ग्रुप एप्टीट्यूड डिस्कशन ठीक आफ्टर द है एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद ठीक है ठीक है ठीक है। लाइक प्रॉपर हाफ हो गया था 50% 50 ठीक है परसेंट सिलेक्शन ठीक के है। लिए आधी से मैंने ज्यादा भीड़ खत्म हो जाती है एप्टीट्यूड टेस्ट के हाँ बाद, हाँ 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 तो इसीलिए एप्टीट्यूड या बिकॉज टेस्ट रिक्रूटर्स के पास उतना टाइम नहीं है कि इतने सारे बच्चों का बैठ के GDPI लें ट्रू 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 ट्रू। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर जाओ, अगर तुम्हें खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर तुमने थ्रू आउट द 3 इयर्स अच्छा किया हुआ है तो GD और PI निकल जाते हैं। PI इज इजी हाँ इज कंपैरेटिवली वेरी इजी इजी। ऑडिट फर्म्स के अंदर अगर मैं बात करूं, या हम ऑडिट स्पेसिफिकली ऑडिट बात फर्म्स कंसल्टिंग फर्म्स में डेफिनेटली या ट्रू एक लेवल पे जाते हैं, इन पर्सनल इंटरव्यू भी वहां पे सारे राउंड्स डिफिकल्ट होते हैं, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है तुमने भी आई गेस एक्सपीरियंस किया है ये चीज, कंसल्टिंग फर्म्स के डिफिकल्ट होते हैं सारे राउंड्स ही या ऑडिट। बिकॉज कंसल्टिंग में देयर्स केस स्टडी एस्टिमेट्स ये सब ऑडिट में नहीं होता है फर्स्ट थिंग वही ट्रू एस्टिमेट केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस चाहिए ट्रू ठीक है। चलो काफी सही है यार एप्टीट्यूड टेस्ट, तुमने बताया कि क्या क्या चीजें फोकस करनी चाहिए एंड 50 से ज्यादा % के आसपास बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो जो भी देख रहे हैं यार चले तो देख लो यार कितना जरूरी है एप्टीट्यूड टेस्ट ठीक है। एंड उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पहले एप्टीट्यूड की कॉन्फिडेंट हो जाओ ठीक है। काफी बच्चे को आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब तक एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता ना तब तक एप्टीट्यूड पे ही फोकस करो दिस इज व्हाट आई डिड ठीक है। अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में किसी स्टूडेंट को डर लग रहा है, कि आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि यार भैया डर लग रहा है पता नहीं कैसा होगा, तो मैंने एक चीज मेंशन की, अगर डर लग रहा है तो अच्छी बात है, बिकॉज अगर डर नहीं लगेगा तो तुम सीरियस नहीं रहोगे राइट। तो उस चीज को तुम किस तरह से टैकल करोगे, मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे? या लाइक फर्स्ट थिंग डर नहीं लगेगा अगर प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से जितने ठीक है मॉक टेस्ट दोगे उतना डर खत्म होता जाएगा ठीक है। मॉक टेस्ट इज द की। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ या मॉक टेस्ट इज द की कि ठीक है। मॉक टेस्ट देते रहो जैसे आई मेंशन कि एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट पर डे दो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट बाय द एंड एंड यू वोंट फील लाइक कि मेरा नहीं होगा एंड ऑल्सो रिगार्डिंग क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो मेमोराइज दोज टिप्स एंड ट्रिक्स बिकॉज 1 minute वन फॉर वन क्वेश्चन फॉर क्वांट इज वेरी टफ एग्जैक्टली वही चीज मैं मेंशन करना भूल गया था पहले भी, कि टाइम पे ज्यादा फोकस रखना, टाइम के साथ हाँ नंबर, टाइम इज द कॉन्स्टेंट टाइम एज वेल एज एक्यूरेसी ऑफ आंसर्स। जो चीज तुम कैट हाँ के अंदर हाँ फॉलो करते हो, अगर तुम एग्जैक्टली कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्लाइटली इजियर रहेगा तुम्हारे लिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक करना, बिकॉज तुम्हारी स्पीड रहती है एज वेल एज तुम्हें पता भी है कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो क्वेश्चन सिलेक्शन और टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है तुम्हें एप्टीट्यूड में। या द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है कैट में हाँ होता है एग्जैक्टली बाकी लेवल का तो डिफरेंस ऑफ कोर्स है ठीक है। सो या तुमने टेक्निकल राउंड भी कवर कर दिया, कि तुमने मेजर टॉपिक्स बता दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वही अकाउंटिंग रेशियो, BRS, कैश फ्लो, जो बेसिक तुमने 12th में पढ़ा है। ज्यादा डीप में तो डेफिनेटली नहीं जाते, बिकॉज नहीं ऑडिट ऐसा नहीं सब्जेक्ट है, अगर BCom ऑनर्स की बात करूँ तो हमें 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, एंड प्लेसमेंट हमारी या फिफ्थ सेमेस्टर में हो प्रोग्राम में चुकी थी, फिफ्थ और प्लेसमेंट हमारी फिफ्थ या सेमेस्टर में हो चुकी थी। तो आप देख सकते हो कि रिक्रूटर जो तुम्हारी फील्ड है उससे रिलेटेड नहीं पूछने वाला ज्यादा, अनटिल अनलेस वो थोड़ी रिलेटेबल हो तुम्हारी फील्ड से। अब जब हमने पढ़ा ही नहीं है तो बिल्कुल हाउ वी आर बिल्कुल गोइंग टू आंसर ऑन दोस क्वेश्चंस राइट। तो एक थोड़ी बेसिक नॉलेज है या तुम्हारे पास, एग्जैक्टली एंड उसके अलावा तो बस वही है कि जो तुमने किया है थ्रू आउट द 3 इयर्स उस पर कॉन्फिडेंट रहो एंड अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, तभी बढ़िया जा सकता है ठीक है। लास्ट राउंड रह गया, कॉन्फिडेंस इज द की कॉन्फिडेंस इज द की, ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हाँ
ठीक है, हाँ मतलब डरो बट थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहो। वही वही वही। हाँ तो यार तुमने एचआर राउंड के बारे में, टेक्निकल राउंड के बारे में बताया, लेट्स टॉक अबाउट द एचआर राउंड। एचआर राउंड के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बेसिकली उनको किस तरह से आंसर करना है उसकी अप्रोच बताना। मतलब एवरीवन नोज कि अपनी वीकनेस के बारे में बताओ, अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बताओ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 ईयर्स डाउन द लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं। इसके अंदर आंसर करना क्या होता है, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि क्या आंसर करना होता है, तो उस चीज के बारे में बताओ। मतलब क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स के बारे में भी थोड़ा फोकस कर दो। या सो लाइक फर्स्ट थिंग, जैसे आपने बोला कि एचआर राउंड्स के बारे में सबको पता है कि पूछते क्या है, बिकॉज सोसाइटीज एंड ऑल में भी यही सब पूछा ट्रू। जाता है जनरली कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। दिस इज बेसिकली डन टू नो कि हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ मच यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट, ट्रू, राइट? फेयर इनफ। या जैसे स्ट्रेंथ के बारे में लाइक काफी लोग सिमिलर सी चीजें लिखते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अटेंशन देता हूँ एक चीज को, आई मैनेज माई टाइम सो वेल। या दैट डिपेंड्स, ओके? लाइक इट्स नॉट बैड कि आप सेम मतलब स्ट्रेंथ्स दे रहे हो, बट यू शुड फोकस ऑन कि आप उसके साथ कोई बैकअप एग्जाम्पल भी दे रहे हो या फिर कोई सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हो कि वेर यू शोड दैट स्ट्रेंथ और आपको कहाँ पता लगा कि वेर डिड यू लैक और मे बी योर वीकनेस। ठीक है, मे बी जैसे हम काफी सारे सोसाइटीज एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या ऑर्गेनाइज करवाते हैं, राइट? तो उस चीजों में आपने अपना टीममेट, टीम वर्क स्किल्स या फिर लीडरशिप स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स वट एवर, वो आपने कैसे हाईलाइट किया? एंड काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू हैड टू डील विद अ डिफिकल्ट टीम मेंबर, ट्रू राइट? ट्रू। उस केसेस में भी आपको थोड़ा उसी में जाना पड़ेगा कि थोड़ा एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि व्हाट वाज द सिचुएशन एंड हाउ डिड यू डील विद इट। यू कांट जस्ट सिंपली गो लाइक कि हाँ आई विल ट्राई टू टॉक विद दैट पर्सन एंड सी वेयर द यू नो सिचुएशन इज गोइंग। दिस इज नॉट हाउ यू आंसर, बट यू शुड ऑल्सो एक्सप्लेन दैट इंस्टेंस, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस वेयर द सिचुएशन हैपेंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल काफी सारे फेस्ट होते हैं, दिवाली फेस्ट होता है कॉलेज में एंड यू टीम अप, राइट? हाँ, सिंगल इंडिविजुअल तो मैनेज नहीं करता है, नहीं जैसे करता। काफी सारी सोसाइटीज में लाइक हमारे सोसाइटी में भी एनएसएस में आई वॉज अ पार्ट ऑफ एनजीओ टीम, सो वी हैड टू कोलैबोरेट विद वेरियस एनजीओस ड्यूरिंग दिस लाइक आर दिवाली फेस्ट ऑफ आर कॉलेज। तो उस सिचुएशन में काफी सारे डिफिकल्टीज आते हैं टू ऑर्गेनाइज द होल फेस्ट, सो यू शुड एब्सोल्युटली, एक्सप्लेन दोज सिचुएशंस टू द रिक्रूटर कि आपने कैसे मैनेज किया द होल थिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, टू द बेसिक स्ट्रेंथ्स। ठीक है। एंड यू शुड ऑल्सो कवर कि हाउ व्हाट आर यू डूइंग टू ओवरकम योर वीकनेस। लाइक मोस्ट सम पीपल इम्पोर्टेंट। से कि हाँ लाइक दैट्स हाउ यू एंड द आंसर कि मेरा वीकनेस ये है, कि मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे से कि आई हैव अ डिफिकल्टी सेइंग नो टू अदर पीपल, बट व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग फॉर इट, दैट्स इम्पोर्टेंट। द राइट, रिक्रूटर डजंट वॉन्ट टू नो कि आपकी वीकनेस क्या है वही। जस्ट ऐसे, बट व्हाट आर यू डूइंग टू ओवरकम योर वीकनेस, दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट? एग्जैक्टली। हाँ एंड एंड आई गेस रिगार्डिंग द वीकनेस सभी की होती है, वीकनेस सभी की होती है। या वीकनेस सभी की होती है, यू कैन से कि मेरी तो कोई वीकनेस ही नहीं है भाई, लाइक आई नो वंस रिमेम्बर परफेक्ट। आई वाज इन फर्स्ट ईयर एंड आई वाज गिविंग इंटरव्यू, एसआरसीसी कॉलेज का कुछ सोसाइटी का कुछ था, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को हायर कर रहे थे, राइट, फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आई वाज इंटरव्यूइंग देयर, तो मेरे से उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर वीकनेस तुषार। तो मैंने बोल दिया मेरी कोई वीकनेस नहीं, मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट ईयर में यही या था भाई एक कि वेट टाइम पता चलता है। इतना टाइम पता चलता है, तो मैंने ऐसे बोल दिया विद वेरी मच कॉन्फिडेंस कि नहीं, मेरे में अंदर कोई वीकनेस नहीं है। बिकॉज उस टाइम पे मैंने थोड़ा ये चीज मेंशन कर दी थी कि जिस पोजीशन के लिए आप हायर कर रहे हो उस पोजीशन के लिए आई डोंट थिंक सो कि एज ऑफ नाउ की कोई वीकनेस है जो मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ, राइट। बट अगर मैं इन जनरल बोल दूँ कि मेरी कोई वीकनेस ही नहीं है, तो वो तो काफी हाँ रॉन्ग तो चली दैट जाती है वुड बी चीज। रॉन्ग। हाँ तो एग्जैक्टली, हाँ, वो विद द टाइम चीजें वीकनेस तो सीख कभी जाते नहीं हैं। है। हाँ, बट अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो अभी तक कि आपकी कोई वीकनेस नहीं है, तो स्टार्ट फिगरिंग आउट, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। या स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ इवन मोर बेटर। हाँ, एंड रिगार्डिंग दैट 5 years क्वेश्चन, लाइक वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन फाइव यस, इयर्स बिकॉज सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो वॉन्ट फाइव टू नो द इयर्स आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। या सो आई डील विद दिस क्वेश्चन इन अ वे दैट 5 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, लाइक यू नेवर नो वॉट हैपन्स इन द नेक्स्ट डे, ट्रू। राइट? सो
यू शुड ऑल्सो ऑलवेज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन टू फॉर्म्स. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर शॉर्ट टर्म गोल्स. लाइक यू वुड बी सिटिंग इन प्लेसमेंट्स इन योर फिफ्थ सेमेस्टर, राइट? सो यू कैन यू नो डिफाइन योर शॉर्ट टर्म गोल्स बाय सेइंग लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू बिफोर आई ग्रेजुएट और बाय द टाइम आई ग्रेजुएट. एंड देन यू कैन मूव ऑन टू योर लॉन्ग टर्म गोल्स मे बी विद द कंपनी इटसेल्फ. यू शुडंट बी लाइक इन थोड़ा वैसा जनरल नहीं होना है कि आई वुड डेवलप माई स्किल्स एंड डू सम प्रोफेशनल कोर्सेस, बट बी वेरी स्पेसिफिक टू द कंपनी यू आर अप्लाइंग इन. ठीक लाइक फॉर एग्जाम्पल EY के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए 5 years का थोड़ा कमिटमेंट दिखाना होगा उस आंसर में कि या आई एम रेडी टू कमिट विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है ठीक या दिस इज है हाउ आई डील विद दिस क्वेश्चन. ओके। तो मैंने इसमें दो तीन पॉइंट्स मैं और ऐड करना चाहूंगा, लेट मी नो तुम एग्री करते हो या नहीं करते। मतलब मेरा क्या पर्सपेक्टिव रहता है कि अगर तुम 5 इयर्स के बारे में पूछ रहे हो, प्राइवेट से कि एक मैं सीनियर पोजीशन पे अपने आप को देखता हूँ कंपनी में, ठीक है, मैनेजर या सीनियर या ऑफ मैनेजर कोर्स पे। लीडरशिप स्किल्स. उसके बाद सेकंड थिंग, मैं एक अच्छी टीम लीड कर रहा हूँ जहाँ पर मतलब मैं जो इनपुट्स दे रहा हूँ उसकी वैल्यू है, एज वेल एज जो मैं रिजल्ट्स दे पा रहा हूँ कंपनी को, वो कंपनी की ग्रोथ में एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ में और एक टीम ग्रोथ को भी लेकर जा रही है। द थर्ड वन थिंग इज, मतलब आई गेस कि काफी बच्चे भूल जाते हैं इस चीज को मेंशन करना, वो मैंने ऑब्जर्व किया कि तुम्हारी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि एक वेल सेटल्ड वेरी फैमिली भी ट्रू. तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 इयर्स की एक मैं अच्छे खासे मतलब पेरेंट्स को खुश रख कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स के साथ पर्सनल नीड्स भी पूरी कर पा रहा हूँ और खुद की पर्सनल डेवलपमेंट भी कर पा रहा हूँ, मतलब नॉट ओनली या प्रोफेशनल। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग. भाई 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 कि अगर आप उस या चीज को फोकस करोगे कि यार मैं तो कंपनी के लिए सब कुछ देने को रेडी हूँ, तो तुम्हारी फैमिली कहाँ या दैट गई। एग्जैक्टली तो वो है. आई अग्री विद इट. ठीक है, तो मतलब वही चीज है कि अगर एंड इस सारी चीजों को मिक्सअप करके डालोगे तो हाँ एक काफी अच्छा आंसर बन सकता हाँ बस वही है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट शो करना है। होगा भाई कि कंपनी के लिए आप इंटरेस्टेड हो हर क्वेश्चन में हाँ हाँ जो हाँ भी ये तो क्वेश्चन है, आ रहा है. ये तो है, इट्स नॉट अदरवाइज लाइक कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में, भाई 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 बट भाई एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट्स कमिंग योर वे. डेफिनेटली ओके। तो तुमने सारी चीजें कवर कर दी, एचआर के बारे में हमने बात कर ली, टेक्निकल के बारे में बात कर ली, रिज्यूमे के बारे में बात कर ली, सीवी के बारे में बात कर ली और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात कर ली, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या चीजें होनी चाहिए। ये सब चीजें फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली प्लेसमेंट हो जाएगी क्रैक, राइट। अब मेरे को ये ऑफ बताओ, थ्रू कोर्स. आउट योर प्लेसमेंट सीजन, इट्स ओपन टू यू कि अगर आपको आंसर करना है करो, अदरवाइज नहीं। ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट सीजन आप काफी सारी प्लेसमेंट्स में बैठे होंगे, ठीक है, तो ट्रू. रिजेक्शंस भी मिले होंगे, राइट। एग्जैक्टली. तो हाउ यू हैव डील विद दोज रिजेक्शंस, और जब ये EY क्रैक हुआ तो कैसा लगा? हाँ सो डे जीरो पे गार्गी में, लाइक आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम गार्गी एंड डे जीरो में डेलॉयट ही आता है जनरली. ठीक है, फर्स्ट कंपनी इज डेलॉयट एंड मुझे था कि हो ही जाएगा, इतना भी क्या ही बड़ी बात है. बट ऑफ कोर्स इनसाइड आई वाज नर्वस. ठीक है, जब मैं जिस दिन मेरा लाइक आई क्लियर द एप्टीट्यूड टेस्ट राउंड एंड ठीक जी है, डी के लिए आई वाज गोइंग एंड ऑफलाइन था वो हाँ, राउंड डिलोइट का जी मोस्ट डी एंड प्रोबेबली टी आई. या ऑफलाइन होता है दिस टाइम इट्स ऑनलाइन फॉर दिस सम टाइम। कॉलेजेस बिकॉज एक्सटेंशन हो गया वेकेशन का. एंड देन उसके बाद मुझे दिन में भी था कि यार होगा नहीं होगा, देर वॉज दिस नहीं होगा वाला वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग. पता नहीं क्यों बट इट वॉज. बट ठीक स्टिल है आई वॉज ट्राइंग टू यू नो गेट मोर कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, नो वरी डोंट वरी हो जाएगा. एंड आई लाइक मैं सॉरी ग्रुप डिस्कशन के लिए गई एंड नहीं बाहर आई तो मुझे लगा नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा, बट स्टिल देर इज होप ना कि हो हाँ, कि जाएगा. हो जाएगा कुछ हाँ मे मिरेकल बी हो हो जाए। जाएगा बिकॉज यू आर लाइक इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल कि तुम्हारा कैसा गया, तुम्हारा कैसा गया. एंड देर लाइक कि देखते हैं होना तो चाहिए. एंड सिर्फ मुझे ही फील आ रहा था कि नहीं होगा यार, पता नहीं ठीक क्यों. बिकॉज आई कैन एक्सेप्ट दैट कि आई वॉजंट रियली कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन. ठीक है लाइक आई कुड एड मोर पॉइंट्स टू द डिस्कशन बट आई डिडंट. आई डोंट नो मे बी वो थोड़ा माइंड सेट भी वो रहता है. इसलिए आई ऑलवेज से कि थोड़ा रिजल्ट्स जैसे भी आए ऑलवेज स्टे पॉजिटिव. ट्रू आई से दिस टू एवरी सिंगल पर्सन. लाइक आई बिन मेंटोरिंग मेनी पीपल दिस टाइम एज वेल एंड देर लाइक कि बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा. सो द फर्स्ट थिंग आई से इज कि नहीं होगा तो भी ठीक है.
बट वो खुद से मत अपने आप को रिजेक्ट करो कि नहीं होगा, बिकॉज मैंने वो किया एंड उसके बाद जब कंपनी ने रिजेक्ट किया फिर मुझे पता चला कि होता क्या है रिजेक्ट। हाँ लाइक एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा हर्ट करता है ऑनेस्टली। ठीक है. एंड लाइक ग्रुप डिस्कशन के बाद वो लिस्ट आया जिसमें इंटरव्यू के बच्चे जा रहे थे, एंड वो जब ऑफलाइन ऑफलाइन मोड में होता है ना वो चीज आपको देखना पड़ता है, एंड दैट हर्ट्स टू अनदर लेवल, ट्रस्ट मी एग्जैक्टली. ऑफलाइन मैंने एक्सपीरियंस काफी नहीं किया, ज्यादा। बट यस आई कैन अंडरस्टैंड. ऑफलाइन में जो तुम्हारी अच्छे से हो जाती है कि या क्या एंड ऑनेस्टली आई वाज लाइक क्राइंग ऑल डे उस दिन तो, ठीक ओके है, नेक्स्ट लाइक नेक्स्ट 2 days तक, एंड देन आई समहाउ फिगर्ड आउट कि चलो करना तो पड़ेगा ही आगे। एंड देन ये है कि थोड़ा माइंडसेट पॉजिटिव रख के चलोगे ना थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। अगर माइंडसेट में ही नेगेटिव आ गया कि नहीं होगा, या फिर इवन इफ आई मेक एफर्ट्स तो भी नहीं होगा, इफ यू आर सेल्फ रिजेक्टिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, वही चाहे आप वही जितना मर्जी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वही बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल। ट्रू. इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं होता कि आपको सभी क्वेश्चंस आने ही चाहिए, या फिर ग्रुप डिस्कशन में भी ऑल पॉइंट शुड बी वैलिड। इफ यू नो डोंट नो द आंसर, जस्ट से कि आई डोंट नो अबाउट द आंसर, आई बेटर सर्च अबाउट इट लेटर ऑन यू, और यू कैन जस्ट यू नो डिस्कस विद योर इंटरव्यूअर कि इसका आंसर क्या है, बट दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो मच, ऑल दे सी इज योर कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस अपने पॉजिटिव माइंडसेट से ही आता है। वही वही इंटेंट देखते हैं वो. सही, या ठीक है. एंड बाय द टाइम आई सैट फॉर EY का प्लेसमेंट ड्राइव, तब तक मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, बिकॉज ऑफ कोर्स पहले रिजेक्शन हो गया था, तो आई वाज लाइक नहीं इस बार तो होगा ही होगा ही होगा ही। ठीक है. एंड देन इंटरव्यू मेरा काफी ज्यादा अच्छा गया था, लाइक द इंटरव्यूअर वाज वेरी हैप्पी, लाइक ही वाज रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय माय आंसर्स। कितने मिनट एंड का चला था या इंटरव्यू इफ यू रिमेम्बर? कितने मिनट मेरा का? अराउंड 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स. ठीक है. हाँ हाँ नॉट अ लॉन्ग टाइम बट स्टिल, हाँ हाँ क्योंकि तब तो थोड़ा डर लगता है। मेरा खुद का इंटरव्यू 8 से 10 मिनट के अंदर ओवर हो गया था. राइट. एंड आई वाज हाँ लाइक हाँ भाई हाँ ये तो हाँ नहीं करने वाले सिलेक्ट. ठीक है. एक्चुअली हाँ, वो ऐसा होता है कि कुछ पैनलिस्ट मतलब आपके फ्रेंड्स के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो 30 30 मिनट्स तक ले रहे हैं हाँ इंटरव्यू, वही और आपका वही 10 मिनट में ही हो गया, तो यार वो फील्स थोड़ा हट करता है, यार क्या लाइक हो गया कि ये। एटलीस्ट थोड़ी बात मैं मेरे पास बहुत कंटेंट था बताने के लिए, तो मुझे मौका तो दिया जाता है या कि वो चीज भी आ एंड देन जाती है. यू गो ऑन, हाँ फिर या एंड क्रैक हो देन यू जाती गो है. ऑन ट्रू. गूगल की ऐसा होता है तो कैसे होता है, लाइक आई जेनुअली डिड ऑल ट्रू दिस कि अगर ट्रू. इंटरव्यू शॉर्ट है या क्या है तो कैसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, मतलब वो थोड़ा यार पीयर प्रेशर होता है फर्स्ट थिंग एग्जैक्टली कि यार एग्जैक्टली. मेरे फ्रेंड्स का हो गया मेरा नहीं हुआ, हुआ वैसा वैसा काइंड होता है, बट यार जब हुआ तो एवरीवन इन माय फैमिली वाज रियली हैप्पी, बट या आई स्टिल फील कि आई कुड क्रैक डेलॉयट एज वेल, बट यार थिंग्स वर्क आउट द वे दे वेंट टू बी। तुम्हारे मेंटिस ने कर लिया ना क्रैक या एग्जैक्टली तो लाइक 10 स्टूडेंट्स नाउ, काफी बड़ा नंबर है. मतलब वो भी एक या अलग लाइक फॉर मी इट वो इज, यस वो भी एक अलग लेवल की हैप्पीनेस है कि तुम नहीं कर पाए, बट स्टिल हाँ वो तुम्हारी तो है, गाइडेंस की वजह से 10 लोगों ने क्रैक कर ली तो बहुत बड़ी बात है. या वही है, एंड थोड़ा माइंडसेट अगर वो रखोगे ना पॉजिटिव तो हो जाएगा। एंड बीइंग वही बिग फोर है, तो बिग फोर तो बिग फोर है. वही वही, बिग हाँ फोर तो बिग फोर है, बिग फोर तो बिग फोर है, ट्रू तो ट्रू वही चीज ट्रू। है. चलो सही है. एंड करते हैं स्मृति इस पॉडकास्ट को. डेफिनेटली काफी इंसाइटफुल रहने वाला है अगर ऑडियंस अभी तक आई है, क्योंकि 35 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है पॉडकास्ट, 35 40 मिनट्स का, तो इतने ज्यादा लंबा रुकता नहीं है. बट अगर कोई यहाँ तक आया तो डेफिनेटली उनको वैल्यू मिली है. ठीक है. तुम्हारे एक्सपीरियंस से डेफिनेटली वो उनको काफी हेल्प करेगा प्लेसमेंट में. अच्छा एंड करने से पहले वुड यू लाइक टू गिव एनी 2, 3 और 4 टिप्स टू दी अपकमिंग स्टूडेंट्स जो भी प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हैं या फिर बैठने वाले हैं, कि ये 3 चीज तो कर ही लेना या फिर ये 3 चीज तो भूल कभी मत करना, कुछ भी ऐसी 3 चीज. फर्स्ट थिंग आई वुड से स्टे हम्बल, वेरी हम्बल, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट ड्राइव में सिलेक्शन मिल रहा है या फिर सक्सेस, यू आर गेटिंग सक्सेस, जस्ट स्टे हम्बल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू शुडंट मेक अदर्स फील बैड अबाउट इट, दिस इज वन थिंग, ठीक है, बिकॉज सब कुछ ना आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, आप वेरी आज इंपॉर्टेंट. सक्सेस ले रहे हो एंड यू आर मेकिंग अदर्स फील बैड अबाउट इट, दैट्स नॉट वेरी राइट, वही वही एंड दैट वही वुड रिफ्लेक्ट इन योर अपकमिंग ईयर्स, तो श्योर. जस्ट बी श्योर कि आप बिहेव कैसे कर रहे हो बाकी लोगों के साथ, एंड इवन इफ यू आर गेटिंग रिजेक्टेड दैट्स इवन मोर
लाइक इंटरेस्टिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, बिकॉज हाँ यू नेवर नो हाउ थिंग्स विल टर्न अप फॉर यू. लाइक फॉर ट्रू मी आई गॉट रिजेक्टेड बाय डिलॉयट एंड आई एम प्रिटी श्योर आई वुडंट हैव बीन मेंटोरिंग स्टूडेंट्स इफ आई डेफिनेटली डिडंट. या एग्जैक्टली, लाइक आई एम वेरी श्योर कि मैं करती ही नहीं है कभी भी. लाइक मैं लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन पे नहीं आती, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट. ओके ठीक है या आई डोंट नो, लाइक देयर इज अ थिंग अबाउट इट, लाइक आई वांट टू यू नो फेस लाइक डील विद दैट रिजेक्शन वेरी स्ट्रेटेजिकली. ओके या तो मतलब लाइक तुम्हारे आई जो डोंट नो बट मतलब जो तुम्हारी लिंक्डइन जर्नी है वो तुम्हारी प्लेसमेंट के बाद स्टार्ट हुई है, एंड दैट इज मोर फोकस्ड ऑन द प्लेसमेंट सीजन ऑल की गाइडिंग स्टूडेंट. ओके ठीक है ठीक है लाइक मैंने मार्च में शुरू किया है, लाइक मार्च 2023 लिंक्डइन पे ओके कंटेंट क्रिएट करना शुरू. काफी सही ग्रोथ है या इट्स डेफिनेटली गोइंग गुड एंड आई होप कि थोड़ा और एक्सपैंड हो जाए. लाइक आई एम ट्राइंग बढ़ेगा. माय बेस्ट. लाइक या एंड वही है कि अगर रिजेक्शन भी होता है, डोंट फील वेरी पर्सनल, डोंट टेक इट पर्सनल फर्स्ट थिंग, बिकॉज अनदर थिंग आई वुड से इज लक फैक्टर मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू कैंपस प्लेसमेंट्स. आई वोंट टॉक अबाउट ऑफ कैंपस मच, बट कैंपस प्लेसमेंट्स में लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. यू जस्ट कॉन्ट ब्लेम इट ऑल ऑन योर सेल्फ, बिकॉज कई बार होता है कि कुछ लोग मतलब प्रिपेयर नहीं करके जाते, उतना उतना अच्छा गुड प्रोफाइल भी नहीं होता है, बट स्टिल दे गेट इन. एंड देन ऑन द अदर साइड यू आर लाइक प्रिपेयरिंग एवरी थिंग बट स्टिल गेटिंग रिजेक्टेड. ट्रू दैट्स फॉर अ रीजन, जस्ट एक्सेप्ट दैट. या ठीक है तो काफी सही बाकी पॉइंट प्रिपरेशन टिप्स तो हो ही गई हाँ है. बहुत ज्यादा हो गई सही है काफी सही चीजें कवर की है. एंड वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बीइंग हम्बल. ठीक है किसी भी लेवल पे आप आ जाओ तो अगर हम्बल हो तो पीपल आल्सो लाइक टू अप्रोच यू कि ठीक है एटलीस्ट रिप्लाई मिलने के बी चांसेस है. अप्रोचेबल, बी हम्बल. भाई 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 सही है. मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर रिजेक्ट हो रहे तो बढ़िया बात है ना कि आगे तुम चार बंदों को एग्जैक्टली, बताओगे दैट्स तो इवन मोर बेटर. थोड़ी स्टोरी तो बननी चाहिए ना हाँ, थोड़ी थोड़ी स्टोरी तो बननी बननी चाहिए. चाहिए. बट बात वो है कि अगर वही वही वही. कहीं पे भी ना सिलेक्शन हो तो अलग ही लेवल की स्टोरी बन जाएगी फिर. ठीक है बाकी तो मतलब सही दैट्स है ट्रू. मतलब सही है. ठीक है तो उसमें तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को. लाइक काफी मजा आया मुझे इंटरेक्ट करके एंड नेवर फील की फर्स्ट टाइम मैं तुमसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है थ्रू दिस पॉडकास्ट तो काफी सही रहा एंड आई होप कि डेफिनेटली हेल्पिंग रही होगी. एंड बाकी जितने भी व्यूअर्स अभी तक वो देख रहे हैं तो यू कैन चेक आउट दिस स्मृतिज हैंडल लिंक्डइन के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं चेकआउट कर सकते हो. और अगर आपको वन ऑन वन मेंटरशिप भी चाहिए तो शी इज प्रोवाइडिंग तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपको वैल्यू एडिशन रहेगी अगर आप मेंटरशिप के लिए जाते हो तो यू कैन ऑल्सो चेकआउट दैट. सो स्मृति थैंक यू सो मच तुषार. वुड यू लाइक टू से एनीथिंग ऑन द एंड नोट. दिस वाज रियली इंटरैक्टिव सेशन. लाइक दिस वाज वन ऑफ लाइक फर्स्ट थिंग, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट लाइक ओके समथिंग दैट्स गोइंग ऑन यूट्यूब. लाइक आई वाज ओके रियली रियली एक्साइटेड फॉर इट, बट ऑफ कोर्स आई वाज इन गेटिंग टाइम एंड थोड़ा इशू भी हो गया था. आई टोल्ड यू अबाउट दैट. बट नाउ दैट आई हैव डन दिस, आई एम वेरी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट नाउ एंड आई एम वेरी वेरी यू नो थैंकफुल टू यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड या दिस माय प्लेजर इज गोना बी अमेजिंग एंड आई जस्ट होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स मेनी पीपल. डेफिनेटली सो थैंक यू सो मच स्मृति. लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू इन सम अनदर पॉडकास्ट डेफिनेटली वेरी सून. थैंक ओके यू सो मच तुषार. आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा बढ़िया लगा होगा. एंड अगर यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीख के जा रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ये दोस्तों के साथ पॉडकास्ट जरूर शेयर कर दो बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. बहुत सारे बच्चे हैं जो प्लेसमेंट के लिए एस्पायर करते हैं एंड वो क्रैक नहीं कर पाते किसी ना किसी रीज़न के कारण. तो सारे एक्सपीरियंस सारे मिस्टेक्स आपको फेलियर्स वगैरह रिसोर्स वगैरह इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग गए होंगे. एंड डिटेल्ड वीडियो थी कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसी लगी आपको ये वीडियो. थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन दिस इज शारदन साइनिंग आउट. सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं चेकआउट कर सकते हो लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो. थैंक यू.